वह झूठा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू। ये तुम्हारी करतूत ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमने अपनी बेटी के प्यार के खातिर उसे गहने दिए। अब तो शक मुझे होने लगा है ये प्यार भी ये नेकलेस जैसा झूठा दिखावा है। जो सोने के कंगन कलार्चना ने तुमको दिए थे वो, और ये वाला सोने का नेकलेस अपनी बेटी को दे देना, ताकि आपकी भी नाक रह जाएगी और हमारी भी नाक रह जाएगी। आप रो रही हैं? आप ठीक तो है ना? देखिए देखिए, मैंने आपके घर पे भी देखा था, आपकी आई कुछ परेशान लग रही थी, और अब आप देखिए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम पति पत्नी हैं, जिंदगी भर का साथ है हमारा, और जिस तरह हर सुख हमें एक दूसरे के साथ बांटना है, उसी तरह हर दुख भी बांटना है ना। अब बताइए, अगर अगर कल मुझे कोई तकलीफ हो जाए और मैं आपसे वो बात छुपाऊं, तो तुम्हारे रिश्ते का अपमान है ना अर्चना जी? तो फिर बताइए बताइए क्या हुआ आपको? आई ऐसा नहीं कर सकती, आई करना तो छोड़ो, ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक एक चीज उसने मुझे बहुत प्यार से दी थी, एक एक गहने के साथ उसका एक एक सपना जुड़ा था, फिर वो मुझे नकली गहने कैसे दे सकती है? आपकी आई ने आज इसी बात को लेकर, आई को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। अब रोइए मत प्लीज। अरे मुझे आपकी आई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और फिर इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ते मजबूत प्यार की लेन देन से होते हैं, ना कि इन सोने चांदी की लेन देन से। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा आपकी आई मुझे दे चुकी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक आज जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में आई से बात करता हूं। नहीं, आई से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, मैं आई से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप प्लीज रोना बंद कीजिए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। चुप हो जाइए।